आईपीएल में कल आरसीबी के खिलाफ एक रन से हारने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा कि उन्होंने मार्कस टॉइनिस को पारी का आखिरी ओवर इसलिए दिया क्योंकि स्पिनर्स को पिच से मदद नहीं मिल रही थी। बता दें कि पंत ने अपने फास्ट बॉलर्स के चार ओवर पूरे होने के बाद अमित मिश्रा की जगह मार्कस टॉइनिस को पारी का आखिरी ओवर सौंप दिया। उनकी ये गलती टीम पर भारी पड़ गई क्योंकि एबी डिविलियर्स ने इस ओवर में 3 छक्कों की मदद से 23 रन बना डाले। एक समय जिस टीम का स्कोर 160 तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था उसे एबी डिविलियर्स ने 170 के पार पहुंचा दिया। बाद में यही रन्स दिल्ली कैपिटल्स पर भारी पड़ गए। मैच के बाद ऋषभ पंत ने भी ये बात कही कि आरसीबी ने इस पिच पर 10-15 रन ज्यादा बना दिए थे। उन्होंने शिमरॉन हिटमायर की तारीफ की और कहा कि हिटमायर ने शानदार पारी खेली और उनकी वजह से ही हम लक्ष्य के इतने करीब पहुँच पाए थे। दिल्ली को आखिरी ओवर में जीत के लिए 14 रनों की जरूरत थी लेकिन दिल्ली सिर्फ 12 रन ही बना पाई। पंत और हिटमायर जैसे विस्फोटक बल्लेबाज क्रीज पर होने से दिल्ली की जीत आसान लग रही थी लेकिन मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करके उन्हें रोक दिया और सिराज ने अपनी टीम आरसीबी को 1 रन से शानदार जीत दिला दी। सिराज ने मैच के बाद कहा कि मैं आखिरी ओवर में सिर्फ और सिर्फ यॉर्कर गेंद की तरफ ही सोच रहा था। मुश्किल हालातों में यॉर्कर ही मेरा मेन हथियार है और अब तक मैं इस टूर्नामेंट में शानदार यॉर्कर्स फेंक चुका था, इसलिए मैं अपने यॉर्कर्स के बारे में पूरा कॉन्फिडेंट था। मैंने सोच लिया था कि अगर यॉर्कर ट्राई करते हुए मुझे मार भी पड़ जाए तो भी मैं परवाह नहीं करूंगा। टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद मेरी लाइन और लेंथ बहुत इम्प्रूव हुई जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से मेरी गेम में बहुत सुधार आया है। एक तरफ जहां दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत हार से निराश थे तो वहीं दूसरी ओर आरसीबी के कप्तान विराट कोहली जीत से बेहद खुश दिखे। मैच के बाद कोहली ने कहा कि एक समय में मुझे लग रहा था कि ये मैच हमारे हाथों से फिसल रहा है लेकिन सिराज के आखिरी ओवर ने हमें विश्वास दिलाया। अगर फील्डिंग में टीम गलतियां नहीं करती तो शायद ये मैच इस तरह आगे बढ़ने वाला नहीं था। दरअसल आरसीबी के खिलाड़ियों ने कुछ कैच और 1-2 रन आउट के मौके छोड़े जिसका नतीजा ये रहा कि मैच आखिर तक गया। कोहली ने कहा कि 30 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद डिविलियर्स ने एक शानदार पारी खेली। ग्लेन मैक्सवेल और रजत पाटीदार ने भी उपयोगी पारियां खेली। इस पिच पर 160-165 का स्कोर अच्छा था और हम 10 रन ज्यादा बनाने में सफल रहे। किंग कोहली ने भी कहा कि हिटमायर ने अंत में काफी अच्छी पारी खेली जिससे मैच काफी करीब बन गया था। विराट कोहली ने कहा कि एबी डिविलियर्स को यह पसंद नहीं कि मैं उनके लिए ऐसी बातें करूं, लेकिन उन्होंने आखिरी 5 महीनों में कोई क्रिकेट नहीं खेली फिर भी जिस तरह से वे बल्लेबाजी करते हैं ऐसा लगता ही नहीं कि डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। वह हमारी टीम का एक अहम हिस्सा है और मैं चाहता हूं कि वह हमेशा हमारे लिए ऐसी अद्भुत पारियां खेलते रहें। एबी डिविलियर्स ने इस मैच में सिर्फ 42 गेंदों में नबाद 75 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 5 छक्के शामिल थे। मैच के बाद डिविलियर्स ने कहा कि मिड विकेट के ऊपर से मैंने जो कगिसो रबाडा को छक्का लगाया वह आज मेरा पसंदीदा शॉट रहा। डिविलियर्स ने कहा कि जब आप एक टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं तो आपको हर गेम के लिए फ्रेश रहना पड़ता है। आप थके हुए होकर खेलने नहीं जा सकते। मैं भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता हूं, लेकिन मैंने सच में घर पर रहकर अपनी फिटनेस पर बहुत काम किया था। दोस्तों आरसीबी की टीम 6 मैचों में से 5 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में सबसे टॉप पर आ चुकी है। अब उसका अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ 30 अप्रैल को होगा। आपको क्या लगता है कि पंजाब किंग्स आरसीबी को हराने में कामयाब हो सकेगी या फिर आरसीबी की टीम पंजाब को हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बनी रहेगी? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इस पर अपनी राय जरूर दें और आईपीएल के ऐसे और अपडेट्स जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।